गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग आज का टॉपिक एंटीजन, इसकी प्रॉपर्टीज़ एंड टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हम देखेंगे एंटीजन क्या होते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं एंड इनके कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एंटीजन। इंट्रोडक्शन में हम देखें तो एंटीजन क्या होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं और कुछ टाइम एंटीजन जो होते हैं वो पॉलीसेकेराइड्स के भी बने हो सकते हैं। सो एंटीजन एक फॉरेन सब्सटेंस होते हैं जो पैथोजन के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। पैथोजन जो होते हैं, जैसे पैथोजन के हम एग्जांपल के बारे में बात करें तो वायरस, बैक्टीरियल, पैरासाइट्स, ये सब क्या है, पैथोजन, जिनके सरफेस पे क्या प्रेजेंट होते हैं, एंटीजन। तो एंटीजन को हम क्या बोल सकते हैं, एंटीजन एक फॉरेन सब्सटेंस होते हैं एंड ये क्या करते हैं, हार्मफुल एजेंट्स होते हैं। जब हमारी बॉडी में एंटर होते हैं तो हमारी बॉडी इनके अगेंस्ट एक इम्यून रिस्पॉन्स शो करती है। जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है, जिसके थ्रू हमारी बॉडी में क्या होती है, एंटीबॉडी बनती है एंटीजन के अगेंस्ट, और बी सेल्स एंड टी सेल्स इसके अगेंस्ट अपना रिस्पॉन्स शो करती है। एंड एंटीजन की ऐसी क्षमता जिससे वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करवाने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या कहलाती है, इनकी कैपेसिटी एंटीजेनिसिटी, जिसके थ्रू ये हमारी बॉडी से इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड करवाते हैं, प्रोड्यूस करवाते हैं, वो क्या कहलाती है, इनकी कैपेसिटी एंटीजेनिसिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंटीजेंस। स्ट्रक्चर के बारे में हम देखें तो एंटीजन में एक एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है जिससे ये एंटीबॉडी से बाइंड होते हैं, तो वो साइट्स कहलाती है इपिटोप। इपिटोप एंटीजन में एक साइट होती है जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, एंटीबॉडी से बाइंड होते हैं। जो एंटीबॉडी होती है उसमें भी एक स्पेसिफिक साइट होती है जिसके थ्रू ये एंटीजन से बाइंड होते हैं। दैट मीन्स एंटीजन का इपिटोप और एंटीबॉडी का पैराटोप दोनों मिलकर बाइंड होते हैं। ये दोनों इस टाइप से बाइंड होते हैं कि लॉक एंड की मैकेनिज्म, आप लोगों ने स्टडी की होगी लॉक एंड की मैकेनिज्म के बारे में, जैसे एक स्पेसिफिक लॉक के लिए एक स्पेसिफिक की होती है, उसी टाइप से एंटीजन के एक स्पेसिफिक इपिटोप स्पेसिफिक पैराटोप से ही बाइंड होता है। सो ये एक स्पेसिफिक होते हैं। जैसे ह्यूमन एंटीबॉडी की हम बात करें तो ह्यूमन एंटीबॉडी होती है, इसमें क्या होता है, इसमें बाईवेलेंट होती है, मतलब इसमें दो साइट होती हैं जहाँ पे एंटीजन का इपिटोप जाकर बाइंड हो सकता है। सो ये क्या है, एंटीजन का स्ट्रक्चर। अगर एंटीजन में जितने नंबर ऑफ इपिटोप्स होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, हम वैलेंसी ऑफ एंटीजन, मतलब वैलेंसी कहलाती है एंटीजन की। और एंटीजन जो एंटीबॉडी होती है उसमें सिर्फ टू साइट होती है एंटीजन के बाइंड होने की। सो आप लोगों को समझ में आया, अगर एंटीजन का स्ट्रक्चर किस टाइप से होता है और स्पेसिफिक एंटीजन के लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी ही वर्क करती है। अब हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो प्रॉपर्टीज होती है एंटीजन की, दैट मीन्स एंटीजन के ऐसे कौन कौन से गुण जो उसे इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। फर्स्ट वन, फॉरेनर्स, दैट मीन्स जो एंटीजन है वो सब्सटेंस कैसा होना चाहिए, फॉरेन सब्सटेन होना चाहिए, मतलब वो कोई बाहरी बॉडी होना चाहिए एंटीजन। जैसे अगर हम हमारे ब्लड को हमारी बॉडी से निकाल कर फिर से वहीं हम उसे हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो हमारी बॉडी में उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स शो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो हमारी बॉडी का ही ब्लड है, तो हमारी बॉडी का ब्लड उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स शो नहीं करेगी हमारी बॉडी। सो क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी जानती है कि ये हमारा ही ब्लड है ना। सो एंटीजन क्या होना चाहिए, एक फॉरेन सब्सटेंस होना चाहिए, मतलब वो कहीं और से आया हुआ सब्सटेंस होना चाहिए। ये क्या है हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, मॉलिकुलर साइज। जो एंटीजन है इसकी मॉलिकुलर साइज ज़्यादा होनी चाहिए, दैट मीन्स इसका मॉलिकुलर वेट डाल्टन में होना चाहिए, मतलब मॉलिकुलर वेट कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि इस अगर मॉलिकुलर वेट कम होगा तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स शो नहीं करेगी। इसी टाइप से केमिकल नेचर की बात करें तो केमिकल नेचर, मोस्टली एंटीजन किस टाइप के होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, बट कभी कभी कोई एंटीजन क्या होते हैं, पॉलीसेकेराइड के बने होते हैं। एंड नेक्स्ट हम देखें इम्यूनोजेनिसिटी। इम्यूनोजेनिसिटी ऐसी कैपेसिटी जिसके थ्रू हमारी जो एंटीजन है वो क्या करते हैं, इम्यून रिएक्शन शो कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर इम्यूनोजेनिसिटी कम होगी किसी सब्सटेंस की तो वो क्या कर सकेगा, उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स शो नहीं करेगी। एंड जो एंटीजन है वो क्या कहलाएगा, हमारी बॉडी उसको इम्यून टॉलरेंट करेगी। सो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, अगर एंटीजन की इम्यूनोजेनिसिटी कम है
तो हमारी बॉडी क्या कर लेगी, उसको टॉलरेट कर लेगी। सो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, इम्यूनो टॉलरेंस। तो इसमें इम्यूनोजेनिसिटी में यही होगा कि जो एंटीजन है उसकी क्या होना चाहिए, उसमें ऐसी कैपेसिटी होना चाहिए जिससे वो इम्यून रिएक्शन करवा सके। एंड रिएक्टिविटी की बात करें तो एंटीजन एंटीबॉडी से अच्छे से रिएक्ट हो पाए, अच्छे से बाइंड अप हो जाए और एक इम्यून रिएक्शन प्रोड्यूस कर पाए, है ना। नेक्स्ट है ये स्पेसिफिक रीज़न। स्पेसिफिक रीज़न दैट मीन्स एंटीजन में स्पेसिफिक बाइंडिंग साइड होना चाहिए जिसके थ्रू वो एंटीबॉडी से बाइंड हो सकता है। जैसे एंटीजन में क्या होता है बाइंडिंग के लिए, एंटीजन में बाइंडिंग के लिए इपिटोप प्रेजेंट होते हैं, तो इपिटोप प्रेजेंट होना कंपलसरी है एंटीजन में। कोई कोई एंटीजन होते हैं जिनमें इपिटोप प्रेजेंट नहीं होते हैं जिसके थ्रू वो एंटीबॉडी से बाइंड नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट डोज ऑफ एंटीजन। डोज में जैसे एंटीबॉडी है उसका डोज इफेक्टिव होना चाहिए, दैट मीन्स इतना अमाउंट में एंटीजन एंटर होना चाहिए बॉडी में जिसके अगेंस्ट हमारी बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स शो करे। अगर एंटीजन का डोज ही कम है, उसकी सफिशियंट अमाउंट में एंटीजन नहीं प्रेजेंट है, तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स कैसे शो करेगी। एंड इसी टाइप से नेक्स्ट पॉइंट है जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर दैट मीन्स एंटीजन है वो जेनेटिकली स्टेबल होना चाहिए, मतलब उसमें स्थिरता होनी चाहिए जिसको हमारी बॉडी रिकग्नाइज करे, देन उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर सके। एंड नेक्स्ट पॉइंट है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन दैट मीन्स रूट। रूट के बारे में हम बात करें तो एंटीजन किस रूट से हमारी बॉडी में एंटर हो रहा है, जैसे वो इंट्रामस्कुलर है, ऑरल है, या फिर डर्मेटाइट्स है, या इंट्रावीनस है, किस रूट से हमारी बॉडी में एंटर हो रहा है ये डिपेंड करता है कि वो किस साइड से किस टाइप का इम्यून रिस्पॉन्स शो करेगा। सो आप लोगों को समझ में आएगा कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंटीजन क्या है। एंटीजन क्या होना चाहिए, फॉरेनर्स, मॉलिकुलर साइज ज़्यादा होनी चाहिए उसकी, केमिकल नेचर किस टाइप का होना चाहिए, उसकी इम्यूनोजेनिसिटी कैसी होनी चाहिए, रिएक्टिविटी, डोज ऑफ एंटीजन एंड जेनेटिक फैक्टर एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट हम मूव करते हैं टाइप्स ऑफ एंटीजन। एंटीजन को टू टाइप्स से क्लासिफाई किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन एंड ऑन द बेसिस ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। फर्स्ट हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। ऑरिजिन के बारे में हम बात करें तो एक्सोजिनस, एंडोजिनस, ट्यूमर एंटीजन एंड नेटिव एंटीजन, ये फोर टाइप्स है एंटीजन के। फर्स्ट हम देखें एक्सोजिनस एंटीजन। जो एक्सोजिनस एंटीजेंस होते हैं ये क्या होते हैं, एक्सोजिनस एंटीजन ऐसे एंटीजन जो बाहरी एंटीजेंस होते हैं जो हमारी बॉडी में आउटसाइड से एंटर होते हैं, जैसे इन्हेलेशन के द्वारा, है ना, इन्हेलेशन के द्वारा या इंजेक्शन के द्वारा जो आउटसाइड से हमारी बॉडी में एंटर हो रहे हैं वो क्या कहलाते हैं, एक्सोजिनस एंटीजन। एंड एंडोजिनस एंटीजेंस ऐसे एंटीजेंस जो हमारी बॉडी में ड्यू टू बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन के थ्रू हमारे इन्फेक्शन के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर हो जाते वो क्या कहलाते हैं, एंडोजिनस एंटीजन, जैसे ब्लड ग्रुप एंटीजेंस या हिस्टोकम्पेटिबिलिटी ल्यूकोसाइट्स एंटीजन। जो एंडोजिनस एंटीजेंस होते हैं ये फर्दर टू क्लास में क्लासीफाई किए जाते हैं, जैसे एंडोजिनस एंटीजन और एंडोजिनस एंटीजेंस और ऑटो एंटीजेंस एंड अलो एंटीजेंस। अब ऑटो एंटीजेंस की हम बात करें तो ऑटो एंटीजेंस ऐसे एंटीजेंस जो क्या होते हैं, नॉर्मली प्रोटीन या कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन से रिकग्नाइज किए जाते हैं, जो हमारी बॉडी में ऑटो इम्यून डिजीज कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारे बॉडी के ही ऐसे सब्सटेंस या मॉलिक्यूल बोल सकते हैं जो एंटीजन के रूप में वर्क करते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑटो एंटीजेन, जिसके थ्रू ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं। एंड एलो एंटीजेंस ऐसे एंटीजेंस जो क्या होते हैं, डिफरेंट मेंबर होते हैं बट सेम स्पीशीज के डिफरेंट मेंबर क्या कहलाते हैं, हमारे एलो एंटीजन। इसका एग्जांपल है रेड ब्लड सेल का एंटीजन ANB। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ट्यूमर एंटीजन। ट्यूमर एंटीजेंस जो क्या करते हैं, ट्यूमर सेल जो होती है उनके सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं और क्या कॉज करते हैं, ट्यूमर या कैंसर प्रोड्यूस करते हैं और जिसके अगेंस्ट हमारा इम्यून रिस्पॉन्स करता है, जैसे MHC1 एंड MHC2। इन पे क्या होते हैं, ये ट्यूमर सेल इनको रिकग्नाइज करती है, जैसे साइटोटॉक्सिक टी सेल होती है वो ट्यूमर सेल को रिकग्नाइज करती है और उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो करती है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेटिव एंटीजेंस। नेटिव एंटीजन ऐसे एंटीजन जो क्या करते हैं,
एंटीजन प्रेजेंट को नहीं कर पाते, जो एंटीजन को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, उसकी प्रोसेस को परफॉर्म नहीं कर पाते, वो क्या कहलाते हैं? नेटिव एंटीजन, जिनके अगेंस्ट हमारी बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स शो नहीं करती है, है ना। नेक्स्ट हमने क्या बात की है, नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, मतलब इम्यून रिस्पॉन्स के बेसिस पर एंटीजन को टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया, कंप्लीट एंटीजन एंड सेकेंड वन इज इनकम्प्लीट एंटीजन। कंप्लीट एंटीजन को हम क्या बोलते हैं? इम्यूनोजेन। एंड इनकम्प्लीट एंटीजन का एग्जाम्पल है हेप्टेन। कंप्लीट एंटीजन के बारे में हम देखें तो इम्यूनोजेन, ऐसे एंटीजन जिनके अगेंस्ट हमारी बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स शो करती है, मतलब इट सेल्फ, खुद स्वयं के द्वारा उनके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स शो करते हैं, उन्हें किसी कैरियर मॉलिक्यूल की आवश्यकता नहीं होती है, वो क्या कहलाते हैं? इम्यूनोजेन। और इम्यूनोजेन का मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है, जैसे 10,000 मोर देन 10,000, मतलब 10,000 10,000 से भी ज़्यादा इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है, और ये प्रोटीनस भी हो सकते हैं या फिर पॉलीसेकेराइड्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेप्टेन। हेप्टेन एक नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं और फॉरेन सब्सटेंस होते हैं, बट इनको इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए एक कैरियर की आवश्यकता होती है, जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं? इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे हेप्टेन को हम क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट एंटीजन, एंड इनका लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, और इनका एग्जाम्पल है कैप्सूल पॉलीसेक्राइड ऑफ न्यूमोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस। और नेक्स्ट हम बात करेंगे, अभी हमने क्या बात की थी? टाइप्स ऑफ एंटीजन, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीजन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एंटीजन के बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ऐसी कौन सी सेल है जो एंटीजन को प्रेजेंट करती है? इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? एपीसीएस। एंटीजन क्या होते हैं? जैसे एंटीजन को हमें पता है, एंटीजन फॉरेन सब्सटेंस होते हैं जो पैथोजन के सर्फेस पर प्रेजेंट होते हैं। जब पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर कर गया, उनको हमारी बॉडी की सेल है वो रिकनाइज करेगी, एंड देन रिकनाइज करने के बाद उनको इंगर्फ कर देगी और उनको अपनी सरफेस पे प्रेजेंट करेगी कि ये एंटीजन है, इसे हम ये हमारी बॉडी में फॉरेन सब्सटेंस एंटर हुआ है। और ये इन्फॉर्मेशन किसको शो करती है? टी हेल्पर सेल को। एंटी हेल्पर सेल सिग्नल प्रोड्यूस करती है, जिससे बी प्लाज्मा सेल रिकनाइज करती है और क्या करती है? उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है। सो जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होती है, थ्री टाइप्स की होती है, मैक्रोफेजेस, डेंड्रिटिक सेल एंड बी सेल्स। मैक्रोफेजेस के बारे में हम डिस्कस करें तो मैक्रोफेजेस एक फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस को परफॉर्म करती है। हम लोगों ने सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम जब स्टडी की थी, तब हमने देखा था कि जो मोनोसाइट्स होते हैं उनके थ्रू क्या बनती है? मैक्रोफेजेस एंड डेंड्रिटिक सेल। जो मैक्रोफेजेस होती है वो फेगोसाइटोसिस की क्षमता रखती है, दैट मीन्स वो फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस को परफॉर्म करती है, और जो एंड जो पैथोजन है उनको कील कर देती है, ब्रेक डाउन कर देती है एंड अपनी सरफेस पर उन्हें शो करती है। ब्रेक डाउन करने के बाद जैसे ये इन्होंने यहाँ एंटीजन इनकी बॉडी में एंटर हुआ, यहाँ पे एंटीजन को इन्होंने फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस के द्वारा अपनी बॉडी में एंटर करा, एंड एंटर करने के बाद इन्होंने उसे ब्रेक डाउन कर दिया छोटे छोटे टुकड़ों में और इनकी सरफेस पर इसे प्रेजेंट किया। सो ये क्या हो गया? एंटीजन को इन्होंने किस टाइप से कील अप किया, किस टाइप से ब्रेक डाउन किया पैथोजन को, और पैथोजन को कील अप करने के बाद उसको अपनी सरफेस पर प्रेजेंट किया, तो ये क्या हो गया? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। मैक्रोफेजेस ने किस टाइप से एंटीजन को प्रेजेंट किया अपनी सरफेस पे? बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। इसी टाइप से डेंड्रिटिक सेल जो होती है वो भी एंटीजन को प्रेजेंट करती है अपनी सरफेस पे। डेंड्रिटिक सेल्स क्या करती है? बहुत इफेक्ट होती है, बहुत इफेक्टिवली होती है और एंटीजन को ट्रैप करने के लिए और उनको प्रेजेंट करने के लिए। ये नॉन फैगोसाइटोसिक नेचर की होती हैं। इनके जो डेंड्रोन्स होते हैं ये क्या करते हैं? एंटीजन को ट्रैप करते हैं एंड उनको कील अप कर देते हैं और अपनी सरफेस पर उनको प्रेजेंट करते हैं। जो डेंड्रिटिक सेल होती है ये थाइमस में हमारी पाई जाती है, लिम्फ नोड्स, स्प्लीन एंड स्किन पर प्रेजेंट होती है, और ये क्या प्रोसेस परफॉर्म करती है? एंटीजन को प्रेजेंट करने का प्रेजेंट करती है। देन इनको प्रेजेंट करने के बाद टी हेल्पर सेल इन्हें रिकनाइज करती है और टी हेल्पर सेल बी प्लाज्मा सेल को सिग्नल शो करती है। देन जो बी सेल है ये क्या करती है? बी सेल एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है, एंड बी सेल क्या करती है? हमारे एंटीजन का फॉर्मेशन करती है। तो ये एंटीजन जो सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं, जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होती है वो सिग्नल को प्रोड्यूस करती है, और बी सेल की प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है। जैसे
फर्स्ट टाइम हमारी बॉडी में जब एंटीजन एंटर होता है तो प्लाज्मा सेल उनके अगेंस्ट क्या करती है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है। एंड बी सेल टू टाइप्स की होती है, हमें पता है बी सेल टू टाइप्स की होती है, बी प्लाज्मा सेल और बी मेमोरी सेल। जो मेमोरी सेल होती है वो क्या करती है, जब सेकेंड टाइम हमारी बॉडी में वही पैथोजन वही सेम पैरासाइट्स एंटर होता है तो उसको रिकग्नाइज कर लेती है कि हाँ ये पैथोजन पहले भी हमारी बॉडी में एंटर हो चुका है। तो हमारी बॉडी ने पहले इसके अगेंस्ट क्या की थी, एंटीबॉडी बनाई थी, तो उसे उस एंटीबॉडी के द्वारा ये क्या कर देती है, किल अप कर देती है और उसको इनएक्टिवेट कर देती है, जिससे हमारी हमारी बॉडी है उससे क्या हो जाती है, इम्यूनाइज्ड हो जाती है ना। सो आप लोगों को समझ में आया होगा किस टाइप से हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करती है और किस टाइप से एंटीजन प्रेजेंट करती है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होती है। सो हमने आज क्या समझा कि एंटीजन क्या होते हैं, एंटीजन के कितने टाइप्स होते हैं एंड इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। सो आप लोगों को समझ में आया होगा, थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके।